राज्यसभा की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम राज्यसभा का होता है। इससे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का सभापति क्या उस सदन का सदस्य होता है? देखिए, संविधान निर्माताओं का इच्छा था कि राज्यसभा का सभापति उसका सदन का सदस्य हो, किंतु उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी उपराष्ट्रपति, तो अगर सभा राज्यसभा के किसी सदस्य को उपराष्ट्रपति का दर्जा दीजिएगा तो फिर उपराष्ट्रपति के पद की तौहीन होगी। तौहीन मतलब समझते हैं, बेइज्जती। तौहीन मतलब बेइज्जती। आगे बढ़े तो 89 में क्या था बाबू? सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, उपसभापति। बताइए इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन। तब लिख देते हैं चेयरमैन, अब तो चेयर पर्सन होता है, खाली मैन का अब जगह नहीं है। महिलाएं अब धीरे धीरे कब जाते जा रही हैं। एनडीए में भी अब महिलाओं को क्या कर दिया? अनुमति दे दिया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के उससे, तो जो महिलाएं एनडीए में जाना चाहती थी उन लोग के लिए बहुत सुनहरा मौका है। हम लोग के समय एनडीए में महिलाओं को कोई अनुमति नहीं थी, अब वहां पे महिलाओं को भी अनुमति है। तो जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का काम होगा, पेपर वर्क वाला होगा, रडार वाला होगा, सब महिला को दे देगा। और आगे जो होगा मार धार में किसको रखेगा? पुरुष को। सही है, उनको चाहिए थी एक प्रॉपर जिम्मेदारी। रडार पे ऐसा आदमी बैठा रहे, कुछ भी नजर हो तुरंत इन्फॉर्म करे। लड़कवा ढीठ होता था, रडार पे कुछ दिखेगा कहेगा कौवा होगा, बाद में देगा ई होगा, बाद में ई कौन सी हेलीकॉप्टर है। महिला सबको रडार पे कुछ दिखा मार देगी सब, जय ससुरा, मार देगी सब के अपनो हेलीकॉप्टर। अभी क्या होना चाहिए? चेयरपर्सन। महिला लोग को कोई दिक्कत? हम आप लोग का कितना हौसला बढ़ाते रहते हैं। अब देखिए 89 के बाद 90, 91, 92, इसको आर्टिकल के हिसाब से याद करना समय की बर्बादी है, क्योंकि इसमें कहा गया है ये हो गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आगे बढ़िएगा तो कहेगा कि इनकी सैलरी कितनी होगी, और अगले अनुच्छेद में जाएंगे तो इन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या होगी। नहीं पता आपको हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग जैसा लाएंगे। तो आपको क्या लगता है, अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष से सवाल पूछना होगा तो आर्टिकल पूछेगा कि सभापति उपसभापति किसमें? 89 में। और अगर डीप से जाना पड़ेगा तो यही ना पूछेगा, यदि ये दोनों उपस्थित नहीं रहे तो कितने वरिष्ठ लोगों की सिफारिश राष्ट्रपति को जाएगी? कितने? 6। कितने की जाएगी? 6। राज्यसभा से 6, लोकसभा से 10 जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए 93 देखते हैं। 93 जो है इसके और इसके बीच में सारी चर्चा किसकी है? सभापति के अलग अलग कंडीशनों के, सभापति के अलग अलग कंडीशन के। अब जो देखते 93 नंबर, इसमें अध्यक्ष है। 93 में किसकी चर्चा है? अध्यक्ष और किसकी? उपाध्यक्ष। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो बैठते हैं इसे हम लोग स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कहते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर कहा जाता है। देखिए सभापति उपसभापति कहाँ बैठेगा? राज्यसभा में। और ये कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। लोकसभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? स्पीकर कहा जाता है। हम आपको अच्छे से समझा दिए थे कल कि राज्यसभा जो होती है वो इसमें 545 न बैठ के 245, और इसमें लोकसभा में 545 बैठते हैं। इन कंट्रोल करना इन्हें बहुत जरूरी है। इन्हें कंट्रोल करने का काम चेयरमैन करते हैं। चेयरमैन को हम सभापति कहते हैं, सभापति कहते हैं। भारत का सभापति जो होता है वो एक्चुअली उपराष्ट्रपति भी होता है, जबकि इनको कंट्रोल करने का काम स्पीकर करते हैं, और इसे हिंदी में हम अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। ये बहुत जरूरी होता है ये पद, अध्यक्ष का पद, नहीं तो डेली मार होगा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाते हैं। जज के लिए भी कोई बैच स्टार्ट कर रहे हैं क्या? मतलब देख रहे क्वालिटी, अब इसको समझ में आ रहा है ना? अब इस छोटा मोटा सपना नहीं देख रहा। सीधे जज बनेगा? अरे भाई क्वालिटी समझ में आ गया, नौकरी उकरी लो सीधे जज बने गए। आप LLB किए होंगे, आप एग्जाम दीजिएगा तो जो पॉलिटी का सेक्शन होगा उससे हम गारंटी कहते हैं क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन जज के लिए अलग से IPC और CRPC पूछ देता है, जो बस उसी एग्जाम में पूछता है। अदरवाइज अगर इसमें भी पूछता तो एकदम बढ़िया से बताते कि आप कोई क्राइम करके दरोगा को खुद बताते हैं, हाँ किए धारा लगा दीजिए, धारा लगा दीजिए, भेज दीजिए चार्जशीट लीजिए, हम ही लेके चल जाते हैं तामीला लेके कोर्ट में। देखिए ध्यान, अगर
अध्यक्ष का पद बनाया ही क्यों गया? सबसे पहला बात तो यही आता है, ससुरा का पद का है बनाया। जैसे मान के चलिए कि अगर आप ही हैं यहाँ पर, कहीं बहस करना है कानून बनाने के लिए, किसके लिए? कानून बनाने के लिए। तो देखिए ध्यान से समझते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ लड़की है, लड़का है, अगर हम कह देते हैं कि आपस में डिस्कस करके आप कोई निर्णय पर पहुंचिए, मार कर लेगा साहब, ये नहीं समझा, वो करा बोलेगा तुम बैल कहीं का काला सांड बैठ जाओ, तू कहेगा कि तुम पापा की जमुना पारी बैठ जाओ। समझ में आ गया कि नहीं? जमुना पारी किसकी नस्ल है? बकरी। बकरी की नस्ल होती है जमुना पारी। तो लड़का लड़की में आपस में विवाद होगा कि नहीं? लेकिन हमको डिस्कस कराना मान के चलिए मजबूरी है, मजबूरी। एनडीए बैच में क्या होगा? गधा एनडीए में एनडीए की पढ़ाई होगी, तुम उसमें क्या कर रहा है? एनडीए में एनडीए बैच की होगी। हमने आप लोग को बताया भी था कि बिपिन रावत जी एनडीए से सेलेक्ट हुए, सीडीएस में ट्रेनिंग लिए, उनके खाली जगह को भरने के लिए वैसे ही तेज तरार देशभक्त होना चाहिए। और गांव देहात में देशभक्ति कूट कूट के भरी रहती है, लेकिन उन बच्चों की इतनी औकात नहीं होती है कि इलाहाबाद दिल्ली जाके 50-60 हज़ार रुपये फीस दे सके। तो अगर उनके लिए हम भी नहीं खड़ा हो सकेंगे तो फिर कौन खड़ा होगा उनके लिए? तो जब सोने को जंग लग जाएगा तो लोग लोहे से क्या उम्मीद रखेंगे? इसलिए उनके लिए ये बैच है। आप ध्यान से समझिए अपने ही बैच के बारे में। देखिए अगर हमको इसमें एकदम मजबूरी बन जाएगी, आप दोनों में विवाद कराना ही है, तो हम कैसे कराएंगे? हम खुद बन जाएंगे अध्यक्ष, कहेंगे देखो लड़कों को जो भी बात कहना है डायरेक्ट लड़कियों से नहीं कहे, वो हमसे बताए। लड़कियां तो सुनिए लगी, लड़कियों को जो बात कहना वो किससे कहे? हमसे कहे। जैसे मान के चलिए लड़का का कहना है कि लड़की सबके तुलना में ये शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, अब लड़की बात तो सुनी लगी, अब लड़की इसके जवाब देगी। तो अध्यक्ष महोदय, आज के वक्त में अधिकतम काम मानसिक स्थिति के हो गए हैं, तो मानसिक रूप से विज्ञान ये कहता है कि लड़कियां ज्यादा स्टेबल होती हैं। हाँ वो रियल है, मानसिक रूप से लड़कियां ज्यादा स्टेबल होती हैं, और महिलाएं जो होती हैं काम के प्रति जिम्मेदार होती हैं और काम को जल्दी खत्म करने की उनमें प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उनको घर जाके अपने परिवार बाल बच्चों को भी देखना होता है। अतः इस नाते महिलाओं को और पुरुषों की तुलना नहीं करनी चाहिए, दोनों अपने जगह पे, कहीं वो ज्यादा है सही स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ये, बराबरी तो है ही नहीं है, कहीं लड़कियां ज्यादा है तो कहीं लड़के भारी पड़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बराबरी। अभी कोई कहेगा आप लोग से तो बेवकूफ की तरह मत करिएगा, लड़कियां हम बराबर कहां, कहिएगा बहुत सारी चीजों में हम उनसे आगे हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा की बात आएगी शारीरिक रूप से, तो भगवान ने हमसे धोखाबाजी किया, हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा कम किया। किसी किसी महिलाओं में हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा ज्यादा रहती है, जाओ ना हरियाणा में ज्यादा प्रियदर्शनी से मिलो, थोड़ा राखी सावंत से मिलो, कभी हमारी बहनिया से मिलो ना, दीदी से हमारी। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? समझ में रहे? बताइए अध्यक्ष अगर आ गया तो सारा झगड़ा शांत हो गया कि नहीं हो गया? कोई भी बात आप डायरेक्ट आपस में कह सकते हैं। अगर किसी मंत्री को सवाल करना है कि राव बताइए महंगाई इतना क्यों बढ़ गया, तो डायरेक्ट निर्मला सीतारमन से पूछेगा, बवाले हो जाएगा, उजाड़ देगी, मैं प्याज नहीं खाती हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भाई इसका क्या मतलब है, कपड़ा महंगा होगा तो घरे घूमने लगेंगे अजब लॉजिक है, पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी मत चलाओ, ये कोई बात है यहाँ पे? अजब बात, ऐसा थोड़ी हो सकता है। आगे समझते हैं। तो मंत्री को अगर किसी को सवाल पूछना है डायरेक्ट मंत्री से पूछ सकता है, अगर लोकसभा में पूछना है तो अध्यक्ष से, और राज्यसभा में पूछना है तो सभा। जब वो पूछता है तो क्या अध्यक्ष उसको बताता है कि जवाब क्या देना है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार एक कोई विपक्ष के थे, ओम बिरला जी जो, इनसे पूछ रहे थे, माननीय हम मंत्री जी से, अब किस मंत्री से थे हमको इतना ध्यान से उतर गया, वो मंत्री से कोई सवाल पूछे, क्या माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहेंगे कि इसमें विकास के काम में इतनी धीमी बात, इतना देर क्यों हुआ था? समझ में आ गया, इतना देर क्यों हुआ? तब अध्यक्ष महोदय कहेंगे ठीक है माननीय सदस्य आप बैठिए, मंत्री जी आप जवाब दीजिए। तो मंत्री जी खड़ा होकर कहें कि हम सुन नहीं पाए हैं अध्यक्ष महोदय, तो कह रहे हैं यहाँ बैठ के कुंजी कर रहे थे। कहे एक बार और बोलवा दीजिए, कहे मत बोलिएगा, शांति से बैठ जाइए, अगला हिसाब देख लेंगे। अगली बार जब वो खड़ा हुए बोलने के लिए उनको टाइम नहीं दिए, बैठ जाओ। अध्यक्ष अगर 2 मिनट दिया है, अगर 2 मिनट 2 सेकंड हो गया तो अब आप अध्यक्ष की मर्जी पर हैं, अगर माफ कर दिया तो ठीक है, नहीं तो अध्यक्ष अगर ईगो पे ले लेगा ना तो प्रधानमंत्री को बुलाएगा, उधर ब्लैक कमांडो करिए, फेंक दो इनको। बहुत बड़ा पावर होता है सदन के अंदर, उससे बड़ा कोई नहीं होता है, उसके बड़ा सब एक ही होगा राष्ट्रपति, जब वो अभिभाषण या विशेष अभिभाषण के लिए, उसको नहीं ना फेंकवाएगा।
तीनों सेनाओं का होता है, घुस आ जाएगा तो बवाले हो जाएगा, यहाँ सीधे CDS को बुलाएगा, तीनों सेना वालों को टंगवा रहे इनको यहाँ पे। और वैसे भी वो लोकसभा का सदस्य नहीं है, वो संसद का एक अंग है, और प्रधानमंत्री तो लोकसभा के एक सदस्य होते हैं, बनारस से सेलेक्ट होकर गए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो संसद के अंदर यदि हम लोकसभा की बात करें तो सबसे बड़ा पावरफुल कौन होता है, अध्यक्ष, और राज्यसभा की बात करें तो सभापति। इस सदन के अंदर एक ही व्यक्ति है जो उसकी बात को नहीं सुनेगा, कौन, राष्ट्रपति। अदरवाइज प्रधानमंत्री, मंत्री, इन लोग को तो कुछ नहीं पूछता है वो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सारा पावर होता है प्रधानमंत्री को, समय का निर्धारण कौन करता है, अध्यक्ष, माननीय सदस्य, प्रधानमंत्री थोड़े बोलता है, माननीय प्रधान, हाँ मंत्री को माननीय मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, आपके पास 4 मिनट समय है, आप अपनी बातों को कहें। तो मोदी जी उठेंगे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, पहले थैंक यू बोलना है, क्या है, टाइम दिया है, 545 लोगों में आपको टाइम मिल जाना कम बात नहीं होता। अब वो कहेंगे सबसे पहले मित्रों को नमस्कार, आप सब धैर्य बना के रखें, देश अभी मुश्किल हालात में गुजर रहा है लेकिन अच्छे दिन आएंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बैठ जाए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी कोई दिक्कत। रवि किशन जो सांसद है ना, वो कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री पसीने से नहाते हैं इसलिए इतिहास रचेंगे। अरे भैया 8 करोड़ का उनका गाड़ी है, 600 करोड़ का हेलीकॉप्टर है, 3000 करोड़ का जहाज है, अब कहां से पसीना हो रहा है, ये सब जान रहे, AC ठीक कराओ, BMW गाड़ी में बैठ के अगर पसीना हो तो गड़बड़ बात है। तब समझो किसान को तब कह दीजिए कि वो करे जटा से गंगा निकल रही है, तो किसान समझ रहे हैं किसान को कितनी दुर्दशा होती है, बेचारा बैल के, आज भी जिन किसानों के पास ट्रैक्टर नहीं है ना, जितना दिन उनका बैल चलता है बेचारे उतने दिन वो भी चलते हैं। खैर ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री मेहनत ज्यादा करते हैं, स्पेशली विदेश वाले मैटर, इसके लिए तो आपको ही पता है कि विदेश मंत्रालय तो आधा खुदे संभाल के बैठे हो। आगे बढ़िए, अध्यक्ष हो गया आपको, ये सारा पावर यही संभालेगा। लेकिन जैसे अब इसमें अध्यक्ष के बारे में हम समझते हैं एक एक चीजों को, प्रोटेम स्पीकर से स्टार्ट करते हैं, कहां से, प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है समझिए, अस्थाई स्पीकर को हम प्रोटेम स्पीकर कहेंगे, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। तो स्पीकर कैसे लिखाता है जी, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर, ये अस्थाई होता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, अस्थाई होता है, अस्थाई, कोई चीज अस्थाई है तो इसका कार्यकाल कोई फिक्स है नहीं है। ये जो होता है वरिष्ठ होता है, क्या होता है, वरिष्ठ होता है, बहुत सीनियर होता है, इसे कई साल का अनुभव होता है। जैसे कमलनाथ वर्मा जो है वो लोकसभा में 40 साल से सांसद है, तो 60 साल की उम्र में 40 साल से 70 के आसपास के होंगे, इतने दिन से वो क्या है, सांसद है, इतनी लंबा उनका अनुभव है। तो उन्हें अस्थाई सदस्य क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर समझिए, जब कभी सर किसान, अरे चलो देखो सांसद पॉलिटी का है तो हम तो थोड़ा बहुत बताते हैं, हमारा क्या मतलब है रवि किशन क्या कह रहे हैं क्या नहीं, हम तो भोजपुरी देखो नहीं करते, वो ज्यादातर भोजपुरी के ही सुपर स्टार है, हालांकि तेरे नाम में मूवी में वही थे ना, हाँ नहीं, हाँ तेरे नाम हम लोग के समय की मूवी थी, उस समय जब हम लोग जवान थे तब। आगे देखिए, अस्थाई सदस्य प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, जैसे ही नव निर्वाचित लोकसभा होती है, जैसे 2024 में क्या होगा, चुनाव होगा, तो 2024 में चुनाव होगा तो उस चुनाव के लिए कौन शपथ दिलाएगा, कौन इन सौ को बैठाएगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती, प्रोटेम स्पीकर की। मान के लिए 24 में चुनाव हुआ और कोनो जीत गया सब, और जब जीतता है तो संसद भवन में जैसे कैसे बैच खुलता है, तो बैच घुसता है सब, क्लास में घुसेगा सभी में, अब बैठ जाएगा सब जहां तहां, और में बैठ जाएगा तो कोई उठाने वाला चाहिए नहीं, चुट्टा उठ उस पे से, कहे ना उठ तो यही पे बैठ, तो कहे उठ में बैल, कहेगा प्रधानमंत्री का है वो, बैठ जाएगा उसी पे, कोनो जाके अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ जाएगा, सबसे ऊंचा यही है, एकदम छाटल होता है सभी अपने अपने एरिया के, एकदम बागड़ बिल्ला एकदम खतरनाक एकदम होगा।
अब इनको कंट्रोल कौन करेगा? तो राष्ट्रपति तुरंत किसी वरिष्ठ को कुछ दिन के लिए, 2-4-10 दिन के लिए एक मॉनिटर नियुक्त कर देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर। ये अस्थाई होता है, प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए होता है। ये क्या करता है, सबको बैठाता है कि देख ससुरा, कांग्रेस वाला इधर बैठ जाओ, बीजेपी वाला इधर बैठ जाओ, निर्दलीय सब उधर बैठ जाओ, जो छोट मोट पार्टी बच गई है सब कांग्रेस टाइप की, वो सब इधर बैठ जाओ। समझ में आ गया कि नहीं गया? कांग्रेस बेचारा पतन के कगार पे हो गया, लॉर्ड कर्जन की याद आ रही है। आगे देखते हैं, उसी ने बोला था कि कांग्रेस पतन के कगार पे पहुंच गई है। आगे देखिए ध्यान से, तो अस्थाई सदस्य होता है, उसका काम बस ये होता है कि नौ निर्वाचित लोकसभा जो आए हैं, इन नौ निर्वाचित लोकसभा के सदस्यों को बैठाए, डिसिप्लिन सिखा दे कैसे कैसे करना है, और इन्हीं लोगों में से कह दे कि देखो भैया हम अस्थाई सदस्य हैं, आप क्या काम कीजिए, अपने में से किसी, ये सबसे पहले एक शपथ लीजिए, सबसे पहले क्या लीजिए, शपथ लीजिए। तो 545 लोगों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। अब प्रोटेम स्पीकर को कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का इधर उधर शपथ ले, मैं कभी घोटाला नहीं, ठीक ठाक से काम करूंगा, शपथ ले लिया। अब वो 545 को शपथ दिलाएंगे कि मैं भारत के संविधान को साक्षी मान के ये शपथ लेता हूँ कि भारत की एकता अखंडता को बनाए रखूंगा, इसकी संप्रभुता की रक्षा करूंगा, हमें जितना मौका मिले उतना घोटाला करूंगा, पूरा जम के लूटूंगा, जितना शपथ होता है। तो बताइए, इन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं या प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर क्या कर दिए, शपथ दिला दिए। तो बताइए, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? अनुशासन या शपथ दिलाना। शपथ किसे? नव निर्वाचित सदस्य को, नव निर्वाचित लोकसभा को शपथ दिला दिए। अब कहेंगे कि देख भैया, हम जो हैं सीनियर हैं, बस इसीलिए आए हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बीजेपी चुनाव जीती है, अब प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस का, ऐसा होता है। बीजेपी चुनाव जीती थी, कमलनाथ वर्मा को बनाया गया था, कमलनाथ वर्मा कांग्रेस का एकदम बहुत वरिष्ठ नेता है, 10-15 दिन के लिए सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ वर्मा की, किसानों का कर्जा माफ किया था, ऐसा सरकार रहे तो क्या टेंशन है, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है ना, आपको कभी भी पूरी तरह से स्टेबल होने नहीं देगी, क्योंकि जो लोग स्टेबल हो जाते हैं ना, राजनीति में वोटे डालने नहीं जाते हैं। किसान का 10,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया गया, 5,000 करोड़ रुपया लगा देगा तो गांव गांव में नहर खुल जाएगा। किसान कोंची के लिए कर्जा ले रहा है, पानी नहीं है उसके यहाँ, बिया नहीं है उसके यहाँ, यही सब के लिए। तो वो आपको पहले बर्बाद करेगा, फिर आपको पैसा देगा, फिर बर्बाद करेगा, फिर पैसा देता है वहां, समझ आ रहा है? आगे देखिए, तो शपथ कौन दिला दिया? प्रोटेम स्पीकर। बीजेपी 2019 में चुनाव जीती थी, जबकि प्रोटेम स्पीकर किसको दे दिया गया? कमलनाथ वर्मा, शायद 14 में दिया गया था। अब ध्यान, किसी को भी दिया जा सकता है। जैसे शपथ ले लिया लोगों ने, 1-2 दिन के काम ही रहता है प्रोटेम स्पीकर का, ज्यादा दिन का काम नहीं रहता। आगे देखिए, जैसे शपथ ले लिया, किसने ले लिया शपथ? प्रोटेम स्पीकर। अब ये कहेगा कि आप अपने में से किसी एक को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लीजिए। क्या चुन लीजिए? अध्यक्ष चुन लीजिए, क्योंकि आप ही लोग को क्या करना है, उसको चुनना है। तो अब इसमें से ये क्या करता है, अध्यक्ष का चुनाव करा देता है। अध्यक्ष मतलब स्पीकर का चुनाव, स्पीकर जो होता है उसका चुनाव करवा देता है। जैसे ही स्पीकर का चुनाव हुआ, प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। ये अस्थायी पद है, 2 दिन में भी खत्म हो सकता है, 10 दिन में भी खत्म हो सकता है, जिस दिन शपथ लिया गया। और अमूमन जिस दिन शपथ होता है, एक के बार में तो सब शपथ लेता है, सब लोग खड़ा हो जाओ, अरे खड़ा मत होना रहिए। तो वो लोग ना क्या करते हैं, शपथ दिला दिए, सबका सब क्या कर लिया, शपथ ले लिया। लोकसभा बहुत बड़ा थोड़ी होता है, लोकसभा राज्यसभा मिला दीजिए तो हॉल नंबर 1 बिना भरेगा हमारा। अभी जो 2026 में लोकसभा बनेगी ना, ओकरा ज्यादा अमरिया रहता है, ज्यादा थोड़ी, 545 उधर, 245 इधर, 790 लड़का लड़का रहेगा, जितना लोकसभा उतना तो लड़की हो गई। समझ में आ गया? सोचिए, दोनों को कंट्रोल करते हैं। वीरेंद्र कुमार थे प्रोटेम स्पीकर, हाँ बाबू, इस बार किसे बना दिया गया था? वीरेंद्र कुमार। ये अस्थाई रूप में होते हैं, इनका मुख्य काम क्या होता है, शपथ दिलाना और अध्यक्ष का चुनाव करा देना। अब अध्यक्ष का चुनाव कहां से होता है? लोकसभा से। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए अध्यक्ष। क्या राज्यसभा का सभापति यहाँ का सदस्य होना चाहिए? नहीं। अब हम आते हैं किसके बारे में? अध्यक्ष के बारे में। इसके बारे में, अध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष जो होता है, ये कहां का सदस्य होता है बता सकते हैं? लोकसभा का सदस्य। ये मस्ट है एकदम। अध्यक्ष तभी हो सकते हैं जब लोकसभा के आप अध्यक्ष रहेंगे तब, अदरवाइज में सदस्य रहेंगे तब, तब तभी अध्यक्ष हो सकते हैं। अभी वर्तमान समय में ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला कहां के अध्यक्ष?
अध्यक्ष है लोकसभा के, लोकसभा के सदस्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहां से सदस्य है? कोटा से। कहां से सदस्य है? कोटा से, राजस्थान में कोटा से। तो पहले तो आपको अध्यक्ष बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अब ये बताइए, सवाल ये आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? कोई भी इन्हें शपथ नहीं दिलाता है, क्योंकि ये चुनाव से पहले बैठा था बेंच पर। अब प्रोटेम स्पीकर को देख रहा था, टुकुर टुकुर कौन ची कर रहा है। अब प्रोटेम स्पीकर ने कहा था कि आप किसी को अध्यक्ष चुन लीजिए, तो प्रोटेम स्पीकर तो पहले शपथ सबको दिला दिया था, तो एक सामान्य सदस्य के रूप में ये क्या कर चुका था, शपथ ले चुका था, और उसके बाद इसका इसमें चुना हुआ। हाँ, आगे बढ़ जाए। प्रोटेम स्पीकर किसी पार्टी का हो सकता है, एकदम आगे बढ़ जाए। चलिए ध्यान से देखिए, अध्यक्ष को हर हाल में क्या रहना पड़ेगा? लोकसभा का सदस्य। ये जब लोकसभा का एक सामान्य सदस्य था तो प्रोटेम स्पीकर से ऑलरेडी शपथ ले चुका था। शपथ लेने के बाद ही अध्यक्ष का चुनाव होता है। जैसे अध्यक्ष का चुनाव हुआ, प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो गया, अब ये बन गया अध्यक्ष। ये लोकसभा का सदस्य था, अभी वर्तमान में ओम बिरला है जो कोटा से सदस्य है और साथ ही लोकसभा के अध्यक्ष भी है। इनका अलग से कोई शपथ होता है? इनका अलग से किसी भी प्रकार का शपथ नहीं होता है, इनका अलग से कोई भी प्रकार का शपथ नहीं होता है। ये लोकसभा के सदस्य होना इनके लिए जरूरी है। सारी कार्रवाई कौन देखता है? अध्यक्ष। अब अध्यक्ष के पद को जब बनाया गया तो एक समस्या आ गई। अध्यक्ष के पद को इतना पावरफुल मत बना दीजिए कि ससुरा मिसयूज करने लगे, और इतना कमजोर मत बना दीजिए कि इसको हटाने के लिए मतलब खिलवाड़ हो जाए यहां पर। जैसे अध्यक्ष का काम होता है कि वो अपनी पार्टी की बातें न सुने बल्कि एक सामान्य सबको मौका दे, इसलिए अध्यक्ष ऐसा मौका देते भी हैं। अध्यक्ष भले ओम बिरला बीजेपी के हैं लेकिन वो सबकी बातों को सुनते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इसलिए अच्छे लोगों को ही अमूमन अध्यक्ष का पद दिया जाता है। अकलेल बकलेल को नहीं दे दिया जाता अध्यक्ष का पद यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं? उस सबको समय का निर्धारण करना रहता है। अब खुद सोचिए ना, आप किसी मंत्री को कहिएगा बैठ जाइए, टाइम ओवर हो गया, समझ रहे हैं? मंत्रियाबाद में क्या करेगा? वहां तो कुछ नहीं करेगा। बिहार में एक मंत्री का गाड़ी रोक दिया गया, जाके हंगामा कर दिए कि हमारा गाड़ी डीएमएसपी रोक दिया। कभी आइए मुसल्लापुरा, पैदल ना जाम में फंस जाएंगे तब कहेंगे आप। तो अध्यक्ष के पद को स्पीकर अपोजिशन पार्टी का हो सकता है। देखो भाई, अब तुम खुद दिमाग लगाओ, कुछ सवालों के जवाब आपको खुद ढूंढने चाहिए। अध्यक्ष जो है उसका निर्वाचन चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव। और चुनाव कौन करता है? लोकसभा के यही 545 लोग। और इस 545 लोग में जब चुनाव होता है तो भैया जिसकी सरकार है मतलब ज्यादातर लोग उसी के सदस्य हैं, तो फिर कैसे विपक्ष का हो सकता है? खुद से सोच के देखो, अगर विपक्ष ने अगर अध्यक्ष चुन लिया मतलब सरकार से ज्यादा वोट किसके पास है, तो विपक्ष कहां है सब, तब तो सरकार हो गया। नहीं समझ में आ गया? अजीब सा क्वेश्चन पूछता है, कभी पॉसिबल है? कभी अब कुछ देखो सर, कुंवारी दुल्हन नहीं हो सकती है? अजब आले यार, जब दुल्हन है तो फिर कुंवारी कैसे, ब्याह हो गया तभी है ना। अजीब सा खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हमको फील होता है कि हम जिन बच्चों को हम पढ़ा दिए तो हम किसी को पढ़ा सकते हैं। मतलब हम आप लोग को अगर पढ़ा सकते हैं ना तो किसी को पढ़ा सकते हैं। मतलब समझा सर? नहीं समझा सर? आप बताइए, यदि आपको अध्यक्ष के पद बनाना रहता तो आप इसे बहुत ज्यादा शक्ति देते या बहुत कमजोर करते? हाँ, मीडियम देते। तो मीडियम कैसे देते? तो इसे हटाने की जो शक्ति देते ना वो थोड़ा सा टफ कर देते, हटाने की शक्ति को क्या कर देते, टफ कर देते। कैसे? हटाने के लिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे शपथ कौन दिलाता है इसे? कोई नहीं, इसे शपथ कोई नहीं दिलाता है। और इस ये त्याग पत्र किसे देगा? त्याग पत्र, त्याग पत्र मतलब इस्तीफा। देखिए त्याग पत्र जो होता है अध्यक्ष का, किसका? अध्यक्ष का। ये अदला बदला कर देते हैं उपाध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अपना किसको दे देता? अध्यक्ष। रीजन क्या है? दोनों एक एक कैटेगरी का था। निर्वाचन से पहले अध्यक्ष भी कुर्सी पे बैठा था, उपाध्यक्ष भी कुर्सी पे बैठा था, प्रोटेम
स्पीकर आके सबको क्या कर दिया, शपथ दिला दिया, और इन लोगों का निर्वाचन हो गया कि हाँ भैया अब आप मॉनिटर का काम कीजिएगा और आप भी मॉनिटर का काम कीजिएगा। आप लोग के क्लास में भी बचपन में मॉनिटर होता था ना, हाँ हम लोग को मॉनिटर बोला जाता था। तो सीबीएसई बोर्ड का स्कूल था शुरू में हम लोग का, तो हम लोग के प्रिंसिपल आई, वो कही कि अब मॉनिटर नहीं प्रॉक्टर कहा जाएगा। क्या कहा गया? प्रॉक्टर। हम अपने स्कूल के मॉनिटर थे। हाँ जी बाबू। और उसके बाद एक और नियम आया था हम लोग के यहाँ, हाउस में बांटा जाएगा स्कूल को, येलो हाउस रेड हाउस। हम ससुरा ग्रीन हाउस के थे, ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें भी एक तो हेड बॉय चुना जाता था, तो हम उसमें थे हेड बॉय। अब आप सोच सकते हैं लोग पूरा क्लास स्कूल का माहौल कैसा रहा होगा, कोनों को बकलोलवा बकल लिए, बकलोलवा कुंज कर रहे हैं बढ़िया से एकदम, कोई नहीं यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। आई सीबीएसई बोर्ड में कुछ यही सब तो समझे में आता था, मे आई कमिंग सर, ये सब समझे में नहीं आता था। प्रोटेम स्पीकर वगैरह सब समझ आएगा। प्रोटेम स्पीकर किस पार्टी का हो सकता है? अरे गधो, किसी भी पार्टी का हो सकता है। अभी एग्जाम्पल भी दिए इन गधों को, फिर भी नहीं समझ में आता है। आगे जाए। हाँ जी, लोकसभा में उसी में से एक टोका होता है जिसका अनुभव ज्यादा होता है, तो पुरान को कैली उठा के लाएगा, समझ में आएगा कि नहीं? कह रहा है कि सर आपको ग्रीन हाउस में नहीं ब्लैक हाउस में होना चाहिए। ब्लैक हाउस नहीं था हम लोग के समय, नहीं तो पक्का हमको ब्लैक हाउस का परमानेंट अध्यक्ष बना देते हमेशा के लिए, आजीवन अध्यक्ष ब्लैक हाउस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, इनके शक्ति को देने के लिए इन्हें हटाने की प्रक्रिया काफी टफ कर दी गई है, इन्हें हटाने की प्रक्रिया काफी टफ कर दी है। एक्चुअली क्या होता है, अध्यक्ष जो होता है, कौन सा अध्यक्ष? अध्यक्ष जो होता है अपनी सदन का, अपने सदन का। अध्यक्ष का सदन कौन है भैया? लोकसभा। अध्यक्ष का सदन लोक, अपने सदन का प्रेसिडिंग होता है। क्या होता है? प्रेसिडिंग, प्रेसिडिंग होता है। प्रेसिडिंग का मतलब होता है पदीन, सर्वे सर्वा। अपने सदन का लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? प्रेसिडिंग, सर्वे सर्वा होता है। किसी को कुछ भी कर सकता है, प्रधानमंत्री को कहते बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप 60 दिन तक बिना बताए अध्यक्ष को नागा मारे हैं ना, आपको रद्द कर देगा, बाहर में जाओ, आपको सदस्यते रद्द के मार्कशीट फाड़ देगा, कहेगा आम आदमी बन गए आप जाइए घूमिए। अभी तो केजरीवाल ने ऐसा ना पार्टी का नाम रखा कि कंफ्यूजन हो जाता है लोग, मतलब एक सामान्य नागरिक बना के भेज देगा बिना बताए। अगर उससे छुट्टी ले लिया लगातार कितना दिन, 60 दिन, चौपट कर देगा वहां पर, समझ में आ गया? बहुत बड़ा पावरफुल होता है। तो बताइए अध्यक्ष अपने सदन का क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। क्या होता है? सर्वे सर्वा, पदेन होता है। सर्वे सर्वा मतलब पदेन, उपचुनाव होगा, भगा दिया जाएगा उसको, 60 दिन के बाद उसको खत्म कर दिया जाएगा बिना बताया अगर गए तो। बाद में कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, सब कहेगा सब बता के गए, तो बिना बताया जाएगा सबका है। अब कुछ सोचिए, हटाने की प्रक्रिया क्या है भैया? इसे हटाने की प्रक्रिया, प्रक्रिया देखिए, किसके पद शक्तिशाली है या किसका शक्तिशाली नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उसे हटाने की प्रक्रिया कैसे। जैसे सरकारी टीचर का पद शक्तिशाली है कि प्राइवेट? सरकारी कितनों घोटाला करेगा वो, उसको हटा नहीं सकते। ये देश की विडंबना है कि हर इंसान सरकारी टीचर बनना चाहता है लेकिन कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जो वहां बैठा है सामना, बहुत ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बकवास होते हैं। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े थे, हम लोग के सबसे बेहतरीन सर थे भानु प्रताप सर, अश्वनी सर, ये लोग मतलब लंच के टाइम पे भी पढ़ाते रहते थे, लंच के टाइम। लेकिन कुछ कुछ ससुरा ऐसा रहता है सब जिसका कोई हद नहीं, वहां पर चौपट कर देता है। तो सारी की सारी प्रक्रिया जो होती है वो क्या होता है, वो किससे रिलेटेड है? हटाने की प्रक्रिया से। अगर इजिली हट गया तो वो पद क्या हो जाता है? कमजोर। इजिली हट गया तो पद क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि इसे हटाने के लिए सारी शक्तियां किसके पास है? लोकसभा सदस्यों के पास है। किसके पास है? लोकसभा, बस लिख देते हैं किसके पास है? लोकसभा के पास। हटाने की शक्तियां किसके पास है? लोकसभा के पास है। हटाने से 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है कि हम आपको हटाना चाहते हैं, और हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 50 प्रस्तावक चाहिए। क्या चाहिए? 50 प्रस्तावक। और कितने दिन पहले सूचना देना है?
14 दिन पहले, और हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत चाहिए। कितना चाहिए बहुमत? चक्कर आ गया इसको। हाँ जी बहुमत, पंखा चला दे, एग्जॉस्ट तो चला दिया करो लोग ना, लड़की सब एग्जॉस्ट चल रहा है कि नहीं? उधर का एग्जॉस्ट का बंद किया रे बकलोलवा, चालू कर उसको, आवाज होता है, कान साफ करा क्या? आगे बढ़ जा, ज्यादा जोर, तबीयत खराब हो गया। हट जाए बाबू, उनको बाहर बाहर उधर हवा में रख दीजिए, पानी है उसके, हल्का सा हाथ भीगा के पोछ दीजिए, मुंह पे मत मारिए लो, हाथ पोछ दिए। अरे उसका तबीयत सही नहीं है क्या? तो बाबू तबीयत सही नहीं रहता तो उसका पहले ही से लग रहा है तबीयत सही नहीं। साथ में है कि नहीं कोई इसके? ए बाबू एक लड़की बेहोश हो गई, 2 मिनट रुको। चलो ध्यान से समझो, देखिए इसे हटाने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है और बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं है। इसे हटाने की शक्तियां किसके पास है? लोकसभा। और हटाया जाए या न हटाया जाए या प्रस्ताव आप अपने मन से नहीं ला सकते, कम से कम उसकी नीतियों से 50 आदमी असंतुष्ट होकर प्रस्ताव लाए कि हम इसे हटाना चाहते हैं। और जब यह प्रस्ताव आ जाएगा तो 14 दिन की सूचना दी जाएगी कि आपको हटाया जा रहा है। और फिर हटाने के लिए कितना चाहिए? 2/3। हटाने के लिए 2/3 बहुमत अभी भी बीजेपी के पास नहीं है, जबकि इतनी बड़ी पार्टी है, 2/3 बहुमत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हटाना इजी नहीं है, लेकिन एक इसको ऐसी शक्ति प्राप्त थी जिसमें यह बवाल कर सकता था। कैसे? कि 2/3 बहुमत है ना, और इस ससुराल लोकसभा का क्या होता है? पदेन होता है। क्या करेगा ना, 200 को सस्पेंड कर देगा, भागो लो ले सर, ना 40 मन तेल होगा ना राधा नाचिंग। देखो कहावत कहा जाता है भाई, 2/3 चाहिए कि नहीं चाहिए, और आधा को सस्पेंड कर देगा, भागो। आप कुछ कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? पदेन होता है। तब लो ये तो ससुरा कब हट भी नहीं करेगा, आधा को सस्पेंड कर दिया तो 2/3 बहुमत लाएंगे कैसे? 2/3 का मतलब 66%। 50% को सस्पेंड कर देगा 4 दिन के लिए, जाओ 14 दिन के लिए सस्पेंड कर देगा, 14 दिन में प्रस्ताव पारित करना होता है। नहीं समझ आ गया? क्या कर लेंगे? तो भैया भारत का संविधान आज का नेतवा नहीं बनाया, पुरनका बनाया सब, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर जैसे महान लोग, उन्होंने कहा कि जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन रहेगा, 14 दिन तक यह विचाराधीन रहता है, उस 14 दिन तक अध्यक्ष जरूर रहेगा लेकिन पदेन नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अध्यक्ष रहेगा लेकिन पदेन नहीं रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब बैठल रहिए, आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। कितना दिन तक? 14 दिन तक। अब तरी सस्पेंड करें? गजब का संविधान बनाया सब देश का। आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, इन सबको गुलामी के समय इतनी बुद्धि आई कहां से थी, इतना बेहतरीन ढंग से बनाया। तो जब इसके हटाने का क्वेश्चन भी पूछता है, किस परिस्थिति में अध्यक्ष पदे नहीं रहता है? ऑप्शन सी पर अंश का आंसर सही होता है, जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन रहे। ऑप्शन नंबर सी, यहां सी लिख दे, जगह नहीं तो ऑप्शन सी लिख दे। समझ आ गया कि नहीं? किस परिस्थिति में अध्यक्ष पदे नहीं होता है?
ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, जब उसे हटाने का प्रस्ताव क्या हो, विचाराधीन, उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। प्रस्ताव जब विचाराधीन है, कितने दिन तक विचाराधीन हो सकता है? 14 दिन तक उसके हटाने का प्रस्ताव क्या हो सकता है? विचाराधीन हो सकता है, विचाराधीन रह सकता है। इस 14 दिन तक क्या वो पदेन रहेगा? अब जैसे 14 दिन खत्म, तो आपका टाइमिंग खत्म, क्योंकि 14 दिन में ही आपको प्रस्ताव पारित कर। अब पता चला संविधान वाला कितना होशियार था सर। देखिए, अध्यक्ष बिना संसद की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। अब कह देता सब 60 दिन के अंदर आप कभी भी हटाइए, उसे पूरा 60 दिन तक पदेन नहीं रहता। कोई वैल्यू था उसका? अध्यक्ष का पावर छीन लेंगे तब क्या होगा? कोनो वैल्यू नहीं। तो कहा कि देख भाई, उन्होंने दोनों को शक की नजर से देखा, अध्यक्ष भी गलती कर सकता है। तो 14 दिन का टाइम दिया इनको, तुमको हटाने के लिए कितना दिन का टाइम है? 14 दिन का। और उन लोगों को भी दिया भाई 14 दिन के अंदर पारित कर लो, नहीं तो क्या हो जाएगा? पदेन वापस, क्या हो जाएगा? पदेन। मान के चलिए 50 को मिल के कहा कि अध्यक्ष को हटा दो, 50 को प्रस्ताव लाया, 14 दिन का टाइम दिया गया, ओम बिड़ला को 14 दिन के लिए पदेन से हटा दिया जाएगा। वहीं बैठेंगे अपनी एक कुर्सी पे, बट पदेन नहीं रहेंगे, पदेन नहीं रहेंगे, प्रेसिडिंग नहीं रहेंगे, वो सर्वे सर्वा नहीं, बस काम को पूरा कराएंगे। कहेंगे माननीय सदस्य बैठ जी, कहेगा चुभे बैठ जी है। पावर क्या हो चुका है? खत्म हो जाए। और प्रस्ताव क्या होगा? पारित। क्या इसे राज्यसभा से भी पास कराया जाएगा? राज्यसभा चुना था, हटाएगा क्या? लोकसभा चुना था, लोकसभा। और अगर लोकसभा 14 दिन के अंदर 2/3 बहुमत से पास कर दी, तो ओम बिरला एक सामान्य सदस्य हो जाएंगे। उनका लोकसभा से थोड़ी हटाया गया, उन्हें तो अध्यक्ष से हटाया। वापस जाके कुर्सी पे बैठेंगे, याद करेंगे वो गुजरा जमाना, बेदर्दी बाल मा तुझको मेरा दिल याद करता। समझा गया कि नहीं? तो हटा देंगे तो खत्म। कितना खराब लगेगा, जो अध्यक्ष जिससे पूछ के प्रधानमंत्री बोला करते थे, वो बेचारा क्या हो गया? सामान्य हो गया। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये प्रस्ताव आया अब पास नहीं हुआ, गब्बर इज बैक, वापस बैठेगा किस पदेन की गुण लिस्ट निकालेगा, कौन 50 था सर, किस सबसे ने शुरू किया था इसको, ले आओ 5 साल के लिए सस्पेंड। अब भैया आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्या है? पदेन है। जिस तरह देश का नियम फॉलो करना, सुप्रीम कोर्ट का नियम पूरे देश को मानना है, उस तरह अध्यक्ष का नियम पूरे लोकसभा मारेगा, बचे हुए कार्यकाल के लिए सस्पेंड। बस हो गया, पास रह के भी दूर है अब। चुनाव जीत के भी लोकसभा को बाहर से टुकुर टुकुर देखेगा, आ जाए बिरला साहब, बस चट्टा कहेंगे मे आई कमिंग सर, ऐसा जी एक बार इसलिए संविधान हम इतना पढ़ने के बाद आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि ससुरा ओरिजिनल पावर है किसके पास। ये देश को इस तरह से बनाया है कि किसी के रहने ना रहने से इस देश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बहुत अफसोस है कि हमारे बीच बिपिन रावत सर नहीं रहे, लेकिन संविधान और देश को इस तरह से स्ट्रक्चर बना के गया है कि फिर से एक सीडीएस हमारे नरवड़े साहब संभालेंगे, और वो फिर से इस पद को अच्छे से संभालेंगे। अब बिपिन रावत सर थोड़े डायनेमिक थे, मतलब इस तरह, नरवड़े साहब खराब नहीं है, बट नरवड़े साहब जो है ना मीडिया से उतना नहीं मुखातिब रहते हैं, वहां पे वो अंदर अंदर है, समझ में आ गया कि नहीं है? एकदम समझिए, छुपा रुस्तम टाइप का। अब भाई भारतीय सेना का जिसके ऊपर मेडल लग गया, जिसके ऊपर भारतीय सेना का तमगा लग गया, उस पर अगर आप शक कर रहे हैं, तो आप कोहिनूर हीरा पर शक कर रहे हैं। या तो आप पागल हैं, या तो आपको हीरा का मतलब नहीं पता, दोनों में से कोई एक हो सकता। लेकिन देखिए देश का संविधान किस तरह से बना के गया, हमारे आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब जरूरी है, लेकिन इस तरह से स्ट्रक्चर बना के गया से कोई नहीं रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में गया? हमारे बिपिन रावत सर नहीं है, इसके बावजूद मजाल क्या कोई देश घुस जाए भारत में? अरे नरवड़े सेना बाद में तनी बिहार की ओर से घुसना, महिलाएं ऐसा शराब पीएंगी कि बंदूक न चलेगा। अरे ऐसा शराब पी कि सब गंगा जल में आधा घुस के अर्घा टाइम मिले मार जाए तो सुशत्र गोली उल्टा लग जाए तो तोरे यहां।
गया बक्सर में, गाजीपुर में उसको क्या किया गया, दफनाया गया। आगे देखते हैं हम लोग, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बताइए, यहाँ पर सबके हाथ में रिस्क है, सबके हाथ में पावर है। अध्यक्ष को भी डर है कि गड़बड़ करेंगे तो हटा देगा सब, और मनमौजी हटा भी नहीं सकते कि अगर प्रस्ताव कैंसिल हुआ तो ही बर्बाद कर दे गया, इतना खतरनाक रखा गया। और इसको मतलब न शक्ति ज्यादा दी गई है न कम दिया गया, इसका सबसे बड़ा पावर यही होता है, प्रेसिडिंग होता है। क्या होता है? प्रेसिडिंग होता है। आगे बढ़ जाए, किसी को अध्यक्ष का प्रोटेम स्पीकर और अध्यक्ष कैसे बनते हैं, कैसे हटते हैं, आप समझ में आ गया। प्रोटेम स्पीकर को तो हटाने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ओरिजिनल अध्यक्ष आया यानी परमानेंट आया, प्रोटेम स्पीकर क्या हो जाता है, खुद ब खुद ही क्या हो जाता है, हट जाता है। किसी को दिक्कत आया? लड़की लोग को समझ में आ रहा है? चलिए बढ़िया है। तुम लोग का पकड़ लो, कौन प्रोटेम स्पीकर? अभी ना गधा तुमको बताए कि किसी भी पार्टी का हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर के लिए बस एक ही योग्यता है कि वो सीनियर होना चाहिए, वरिष्ठ होना चाहिए। बीजेपी जब 2014 में चुनाव जीती थी ना, तो प्रोटेम स्पीकर कांग्रेस के कमलनाथ वर्मा को बनाई थी, जो 40 साल से सांसद थे। उसको काम है क्या है कि जो दूसरी पार्टी का नहीं बना सकता है? समझ में आ गया कि नहीं गया? अब देखिए बात आती है, यहां तक तो समझ में आ गया, लेकिन गठबंधन की सरकार है तब दो पार्टियों का जब गठबंधन होता है तो पार्टी सोचती है कि अध्यक्ष हमारी पार्टी से जाए, क्योंकि बतिया किसका सुनेगा। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन कहां है? बिहार में। बिहार के अध्यक्ष बिहार विधानसभा के विजय कुमार सिंह, तो बताइए किस पार्टी से? भाई बीजेपी की ज्यादा सीटें थी यहां पर, एक बार इनके आसन पे लोग पहुंच गए थे, आसन पे पहुंच गए थे यहां पर, जहां इनका माइकवा छीन लिया था, घुसिया गए ये। अब बुलाए बिहार पुलिस को, हुकवा दिए, पिछली साल मार्च में देखे थे, घीच घीच मारा था समय हम सब लोग का, हुकवा दिए। अब जब हाल यार, कभी आओ क्लास में बताते हैं क्या पावर होता है पदेन का। हुका गए लोग, शांत हो गए, कहा कि विधायक को मारते हैं। अरे भैया अध्यक्ष का माइक छीन रहे हो, विधायक से ने पुलिस उलिस वाला डरता है, आप विधायक हो के अध्यक्ष को डराने गए, गजब है। सियार हो के शेर को कह रहे, हमको बोलेगा, खा जाएगा आपको वहीं बैठ के। जब वाले मारा, पूरा रद्द करके रख दिया लोग, बहुत बवाल हुआ ना, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, माननीय सदस्य को नहीं पीटना चाहिए, तू कह रहे कि पदेन सदस्य से नहीं हटना चाहिए, तो माननीय बड़ा कि पदेन बड़ा। जब वाले अब हम लोग का विद्यार्थी कहीं रहेगा तो सेटल रहेगा, टकराने से पहले आपको पता होना चाहिए पदेन का मतलब क्या होता है। आपके घर में पदेन कौन है? मम्मी पापा हैं? मम्मी, हमारे घर में पते नहीं चलता है, कभी कभी हमारा बात का ज्यादा वैल्यू हो जाता है, सारा डिसीजन हम कैंसिल हो जाता है, कभी कभी हम सबका डिसीजन मम्मी कैंसिल कर देते, कभी कभी पापा कैंसिल कर देते, कभी कभी तीनों लोग कैंसिल कर देते। आप लोग अभी जो है लोग, आप लोग अभी अपने घर में एक नव निर्वाचित लोकसभा की तरह, आपका काम बस इतना है कि टुकुर टुकुर सदन की कार्रवाई को देखिए क्या कार्रवाई चल रही है। लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी होगी, आपको भी पदेन का दर्जा दिया जाए, आपकी भी बातें सुनी जाएंगी, अतः आपके हाथ में आपका पूरा जीवन है। आप डिसाइड करिएगा, जिन्हें आज आप तकलीफ कहते हैं एक दिन ये आपकी ताकत बन के उभरेगी, याद रखिएगा इसे। जिन्हें आज बैठने में तकलीफ हो रही है ना नीचे, एक दिन आपकी ये ताकत बनेगी, और जब आप अपने ऑफिस में अपना कलम चलाएंगे ना, आपके लिए पहले से कलम रेडी रहेगा, वहां पे पूरा दिन भर का शेड्यूल रेडी रहेगा, तो याद करेंगे कि सचवा कब वो 2 घंटा पहले लाइन लगाते थे तब वो नीचे बैठना पड़ता। लड़की लोग को भी जब जॉब रहेगा, सेटल हो जाओगी वेल एक जगह, तो तब वो याद करोगी भले सर कितनों बोलते थे लेकिन यहाँ पर आज पहुंच तो गए यहाँ पर। समझ में गया? बड़ी कंजूस होती है सभी। आगे चलिए, नेक्स्ट क्लास को कल समझा देंगे। आगे बढ़ जाए।